पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर एक के अंतर्गत लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की रोकथाम के लिए पीथमपुर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। पुलिस ने चोर मोटरसाइकिल गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल, 6 लैपटॉप, 8 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 प्रिंटर, 1 टोल काटा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में एक पुष्पेंद्र नामक युवक हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर कई अपराध दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने बताया कि शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा था। पुलिस कई दिनों से चोर गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही थी। चोर गिरोह को पकड़ने के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बीती रात हाउसिंग बोर्ड चौराहे पर चारों आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ जारी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये वाहन चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों में पतासाजी के लिए हमने सादे कपड़ों में 5 आदमी की स्पेशल टीम बनाकर लगा रखी थी। इसमें एक आरोपी है जो आदतन अपराधी है, पुष्पेंद्र। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि अपने 3 साथी संतोष बुंदेला, रोशन और गोलू के साथ मिलकर ये मोटरसाइकिल चोरी तथा अन्य चोरियाँ इसने की है। तो इनसे 5 मोटरसाइकिल, 6 लैपटॉप और 8 गैस के सिलेंडर और भी दूसरा आइटम बरामद हुआ है। लगभग कितनी अनुमानित राशि का ये जो सामान जब्त हुआ? ये करीब इनसे 4 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बाणगंगा थाना क्षेत्र में भी चोरी करना कबूल की, इस संबंध में भी इनसे पूछताछ हो रही है। संतोष दूधी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।